नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक ई रिक्शा हमारे पास आई है, टोचन करके लाया गया है। वो गाड़ी चल नहीं रही, लाइन तो आ रही है लेकिन गाड़ी चल नहीं पा रही है। इसका क्या फॉल्ट है तो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे सामने एक ई रिक्शा आई है, अतुल कंपनी की है। इसमें देखिए, ऑन ऑफ करने के बाद देखिए लाइन तो आ रही है, आप देख रहे हैं। लेकिन अभी थ्रोटल लेने पर देखिए, मैं थ्रोटल ले रहा हूँ, बिल्कुल ही गाड़ी नहीं चल रही। आप चक्का देख सकते हैं, देखिए चक्का ही बिल्कुल फ्री है। लेकिन थ्रोटल लेने पर यहाँ देखिए, मैं थ्रोटल ले रहा हूँ, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए आवाज़ आ रही है, रिवर्स करने पर आवाज़ साउंड आ रही है, लेकिन रिवर्स में गाड़ी नहीं चल रही। आप देखिए, देख रहे हैं आपने इस तरीके से कहाँ फॉल्ट है। सबसे पहले तो आपको ये थ्रोटल को आपको चेक करना होगा एक मल्टीमीटर के द्वारा। देखिए सबसे पहले आप जो है थ्रोटल एक्सेलेटर को चेक करें मल्टीमीटर के द्वारा। यहाँ देख मल्टीमीटर को आप ये 200 पे कर ले, यहाँ रखिए। देखिए ये थ्रोटल का तार है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। यहाँ देखिए ये रेड ब्लैक ग्रीन ये तार है। ये मल्टीमीटर का माइनस प्लस है, पहले माइनस को आपको इसके ब्लैक वाला यानी कि माइनस में इस तरीके से डाल देना है। उसके बाद आप इसे प्लस को यहाँ पहले रेड में डालना है। देखिए ये माइनस को आप इस तरह से माइनस में डाल दें, ये प्लस को आपको रेड में डालना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए आप देख रहे होंगे 4.23 दिखा रहा है। अब आप इसको करना क्या है, आपको इस तरीके से ये ग्रीन वाले में आप डाल दें। यहाँ देखिए ग्रीन में डालने के बाद देखिए 1 दिखा रहा है। अब मैं यहाँ से एक्सेलेटर लूँगा, आप देखिए, आप देख रहे हैं। देखिए एक्सेलेटर लेने पर देखिए 3.5, देखिए जब मैंने छोड़ा फिर वापस आ गया, धीरे धीरे छोड़ो, देखिए लो ना, आप देख रहे हैं। देखिए एक्सेलेटर लेने पर ये वोल्टेज आगे बढ़ रहा है, और जब धीरे धीरे एक्सेलेटर में छोड़ रहा हूँ तो ये वापस आ रहा है, यानी कि आपका ये थ्रोटल बिल्कुल सही है। ये थ्रोटल आपका बिल्कुल सही है, तो आखिर ये फॉल्ट कहाँ है अब ये देखना होगा। अब ये देख ले, ये चाबी स्विच का ये तार है, ये यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये तार है, इस तार को भी मैं बिल्कुल सही है। अब यही तार को आपको देखना है कि यह कंट्रोलर में 48 वोल्ट सप्लाई दे रहा है कि नहीं, उसके लिए मैं आपको स्विच पहले खोलना होगा। मल्टीमीटर को ले ले, मल्टीमीटर को ले रखो। यहाँ देखिए मैं आपको चेक करता हूँ कि देखिए पहले 48 वोल्ट सप्लाई हो रहा है कि नहीं। इसका वही माइनस को पहले आप आपको माइनस में कहीं डाल देना है। यहाँ देखिए ये डीसी कन्वर्टर का माइनस है, मैं इस माइनस में डाल देता हूँ। देखिए मैंने डाल दिया है इस प्लस को, स्विच से जो आया हुआ है। यहाँ देखिए आप देख रहे होंगे ये स्विच का मैंने आपको दिखाया था, ये रेड कलर का। देखिए इसमें आपको करंट चेक कर लेना है कि 48 वोल्ट आ रहा है या नहीं। यहाँ देखिए पकड़ो, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए तार है, इसे रख लें। यहाँ देखिए आप देखिए, आप मोटर में देख रहे होंगे 49 वोल्ट सप्लाई करा, यानी कि चाबी स्विच से भी 48 वोल्ट कंट्रोलर को मिल रहा है, फिर भी गाड़ी नहीं चल रहा है। आखिर प्रॉब्लम क्या है, अब आपको मोटर को चेक करना हुआ है। देख लिए इस तरीके से, आप देखिए माइनस में आप माइनस को लगा देना है मल्टीमीटर तार को, इस प्लस तार को आपको चेक करना है। यहाँ ये देखिए ये कंट्रोलर का कनेक्शन है, इसमें 48 वोल्ट सप्लाई होने के बाद ही चलता है। देखिए
इन्हें लगाने के बाद यहाँ आप देख रहे होंगे वोल्टेज बिल्कुल सही है। अब आपको मोटर चेक करना पड़ेगा, हो सकता है मोटर जल गया हो या जो भी, को आपको चेक करना है। उसके लिए पहले आप सबसे पहले आप जो है सेंसर के कोड को चेक करना होगा। ये देखिए, ये सेंसर का कोड मैंने आपको बताया था, ये इस तरह से मैं घींच के दिखता हूँ। ये देखिए बिल्कुल सही है तार। वो देखिए यहाँ आप गौर से देखिए, ये पिन में से देखिए एक पिन नीचे चला गया है। आप गौर से दिख रहा होगा आपको, यहाँ देखिए एक पिन देखिए नीचे चला गया है। आगे का तीन पिन सही है, पीछे का दो पिन जो रहता है वो एक सही है, एक देखिए नीचे चला गया है। यहाँ देखिए आप देख रहे होंगे, यह देखिए ये रेड तार जो है ये घिंचा चुका है, ये तार छोटा होने की वजह से। देखिए मैं इसको घींच को बड़ा कर देता हूँ। यहाँ देखिए अब फ्री हो गया, ये जर्किन में जाने के बाद ये लगता है खींच गया। यहाँ देखिए अब निकल चुका है ये रेड कलर का तार, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। आप क्या करें, इस तार को, ये पिन लॉक सिस्टम है, इसको इस तरह से आप फैला ले जिससे मैंने फैलाया। यहाँ देखिए इस तरह से आपको फैला लेना है, उसके बाद इसमें आपको इसको डाल देना है। देखिए मैंने लॉक कर दिया, इस तरह आप लॉक कर दे। देखिए सब तार को आप चेक कर ले घिस करके, टाइट रहना चाहिए, जर्किन खिंचाने के बाद समस्या आ जाती है। अब मैं इसको आप फिर मैं ये लगा देता हूँ सेंसर के कोड को। देखिए मैंने लगा दिया है, अब मैं चेक करता हूँ। देखिए लाइन दे दिया है, अब मैं चेक करता हूँ। एक लीटर लो, आपने देखा एक्सलेटर लेने के बाद देखिए आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे। यहाँ से देखिए चक्का भी चलने लगा है, देखा आपने फॉल्ट कहाँ था। देखा आपने ये वायरिंग का फॉल्ट था, ये सेंसर का जो तार है ये हमेशा याद ध्यान रखे, ये तार खींचने से नहीं खींचना चाहिए। देखिए ये भी ढीला है, ये पीला येलो वाला भी ढीला है, इसे भी आप टाइट कर ले। देखिए येलो वाला मैंने खींचा, येलो वाला भी निकल चुका है। इसी तरह से अगर ये रास्ता में फिर खुल जाएगा तो समस्या आ जाएगी, आप इसको भी टाइट कर ले। यहाँ देखिए इसे भी मैं टाइट कर देता हूँ। यहाँ देखिए एक लॉक सिस्टम रहता है, इस लॉक को हल्का सा इस तरह से आपको फैला लेना है। उसके बाद जब डालेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। आप मिला ले, उल्टा पुल्टा बिल्कुल ना लगाए। यहाँ देखिए येलो यहाँ है, इसमें आपको लगाना है। देखिए मैंने इसे लॉक कर दिया, इसे भी अब बाकी सब ठीक है। तरह से इसको लगा ले, देखिए मैंने लगा दिया है। इस तरीके से ये तार को हमेशा फॉल्स ढीला रखे, ये देखिए कुछ कुछ रखने की वजह से ऐसा हो जाता है। इस तरह से टाइट कर दे अच्छी तरीके से, आवाज सुन रहे होंगे। देखिए मैं एक्सीटर लगा चल रहा है, देखा कितना आसान फॉल्ट था। देखिए मैं फिर दिखाता हूँ आपको, देखिए चल रहा है। अब मैं आपको बैक करके भी दिखा देता हूँ। देखिए बैक किया मैंने, बैक भी चल रहा है। आपने देखा कितना आसान प्रॉब्लम था। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख के आप इस तरह का फॉल्ट आपको आता है तो आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह डेड हो तो पहले आप थ्रॉटल को चेक करें, उसके बाद 48 वोल्ट ये सप्लाई है, इस सप्लाई को आप चेक कर ले कि इसमें 48 वोल्ट आ रहा है या नहीं। अगर इसमें आ रहा है तो आपका ये उधर का वायरिंग्स बिल्कुल सही है। यहाँ देखा आपने सेंसर का ये कोड का एक तार जो है रेड तार वो निकल चुका था, इसी वजह से नहीं आ रहा था, करेंट सप्लाई नहीं हो रहा था, इसलिए मोटर काम बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह का वायरिंग फॉल्ट आता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।